awesome people here's your host Abhilash to bataiye kya hal chal. तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर मोटो ब्लॉगिंग पर्पस और जो नॉट ओनली फॉर मोटो ब्लॉगिंग, जो लोग नॉर्मल ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है. तो आज उसी प्रोडक्ट का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एंड थंबनेल देख के आप लोगों को शायद पता लग चुका होगा, दैट इज द DJI Osmo Action कैमरा. सो ट्रस्ट मी गाइज, मैं इस प्रोडक्ट के लिए बहुत दिनों से रुका हुआ था एंड मोर ओवर आई नीडेड अ बजट सेंट्रिक एक्शन कैमरा. बिकॉज GoPro अगर मैं खरीदने गया तो लगभग मुझे 40,000 का पड़ेगा एक GoPro, वो भी. एंड मोर ओवर द प्लस पॉइंट ऑफ DJI Osmo Action कैमरा, द रीजन बिकॉज ऑफ विच आई बॉट इट इज द फ्रंट स्क्रीन एंड द रॉक स्टेडी मोड अवेलेबल ऑन इट. सो ये सब बातें हम बाद में करते हैं एंड अभी आप लोग एंजॉय कीजिए अनबॉक्सिंग of DJI Osmo Action Camera. So guys, here is the DJI Osmo Action Camera जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है dual screen, और सच बात बताओ तो dual screen 20,000 के नीचे और वो भी अच्छी क्वालिटी का, मुझे नहीं पता किसी और एक्शन कैमरा में मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मुझको लगभग 19,750 रुपये पड़ा है, मैंने ये अमेजोन से खरीदा है. और यहाँ पर और भी कुछ फीचर्स मेंशन किया हुआ है, दैट इज 4K HDR ओके एंड वाटरप्रूफ, रॉक स्टेडी. एंड मैं एक बात बोल दूँ, यहाँ ये जो रॉक स्टेडी मोड है, मैंने भी परचेस करने से पहले बहुत सारे इसके रिव्यूज़ पढ़े थे और मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ इसके रॉक स्टेडी फीचर की वजह से. उसके बाद का फीचर है दैट इज 4K 60p एंड 1080p 8x. तो हर एक फीचर जो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मैं हर एक फीचर को टेस्ट करूँगा और एक दो महीने के बाद जो ओनरशिप रिव्यू आपको मिलेगा उसमें हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके दूंगा. सो नाउ लेट्स जस्ट ओपन द बॉक्स एंड सी व्हाट आर द कंटेंट्स इन इट. बॉक्स खुल चुका है और पहले बॉक्स खोलते ही हम लोग देखते हैं पहले एक्शन कैमरा. सो लेट मी जस्ट टेक इट आउट, इसको रखते साइड पे, बाकी पहले देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है. ये बॉक्स और कुछ नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है. ये बॉक्स, अभी इससे पहले लेट्स चेक आउट द मेन कैमरा. So here is the main product, the real game changer, that is the DJI Osmo Action Camera. So रुको जरा, सबर करो. अच्छा guys, मुझको एक बात बताओ. एक यूट्यूबर जो मोटो व्लॉगिंग का निश लेके यूट्यूब फील्ड में उतरेगा, उससे आप इतना फॉर्मल अनबॉक्सिंग वीडियो एक्सपेक्ट करते हो? अगर मैं आपके जगह पर होता मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, एक्सेप्ट भी नहीं करता. क्यों? क्योंकि जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं उन लोगों का अनबॉक्सिंग स्टाइल इतना फॉर्मल होता है, थोड़ा फॉर्मल टाइप रहता है. लेकिन एक मोटो व्लॉगर इतना फॉर्मल तरीके से अगर अनबॉक्सिंग करेगा वो अच्छा नहीं लगता है देखने में. तो मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो को थोड़ा इनफॉर्मल बनाया जाए. अभी इनफॉर्मल मैं कैसे बनाऊँगा? इनफॉर्मल विद द हेल्प ऑफ वॉइस ओवर एंड पिक्चर्स. और अगर ये इनफॉर्मल टाइप एंड फॉर्मल जो मैंने दोनों मिक्स किया है, इन दोनों का मिक्स अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को ठोक के जाना. और अगर अभी तक ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जाते वक्त बेल आइकन को ठोक के जाना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को ठोकोगे तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जब भी आएगा आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा. सो नाउ एन्जॉय द इनफॉर्मल वीडियो. और एक बात, इनफॉर्मल वीडियो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना है. अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं नहीं चाहता 8-9-10 मिनट का एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना दूँ, क्योंकि सब लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है एक मोटो व्लॉगर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो 10-15 मिनट का देखने को. अकॉर्डिंग टू मी इट्स माय ओपिनियन. सो आई होप विल लाइक दिस वीडियो. सो लेट्स स्विच टू द इनफॉर्मल मोड. सो कैमरा का बॉक्स खोलने के बाद हम लोग को मिलता है मेन कैमरा और एक छोटा सा कंपार्टमेंट बॉक्स विथ इट्स एक्सेसरीज. अभी मैं कैमरा की तरफ जूम करता हूँ और देखिए ये कैमरा कितना अच्छा लगता है देखने में. मुझे GoPro से भी अच्छा लुक्स लगता है DJI का. अभी इसका जो बैटरी है एक अलग केस में आता है जो कि आप लोग अभी देख सकते हो. अभी इसके साथ और एक माउंट आता है जो फ्लैट सरफेस पे लगाने के लिए दिया हुआ है.
एंड द नेक्स्ट पिक, इसमें सब माउंट्स जो भी बॉक्स के साथ आता है सब माउंट्स मैंने दिखा दिया है। एंड द कैमरा इट्सेल्फ कम्स विद केस, तो केस आप लोग देख सकते हो। एंड इज़ द लास्ट पिक जहाँ पर बॉक्स में जो जो मिलता है सब मैंने एक बारी में दिखा दिया है। यहाँ पर आप केस देख सकते हो, माउंट्स देख सकते हो, बैटरी एंड द कैमरा इट्सेल्फ। सो आई थिंक आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। एंड दैट्स द फाइनल पिक ऑफ माई कैम माउंटेड ऑन माई हेलमेट। अगर ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना, क्योंकि आई नो थोड़ा इनफॉर्मल करने के चक्कर में गड़बड़ हो सकता है, बट स्टिल मैंने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। एंड चलो, बाय बाय।